बिहार की राजनीति की, जहां गठबंधन में शामिल बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के हमले के बाद जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने टुन्ना पांडे को बीजेपी से बाहर करने की मांग की है। जेडीयू के मुताबिक टुन्ना पांडे को सिर्फ नोटिस देने का कोई मतलब नहीं है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि जो नीतीश पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। नीतीश गठबंधन में है लेकिन अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। तो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, कभी जेडीयू की तरफ से, कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, और सिर्फ नोटिस देना टुन्ना पांडे को, ये जेडीयू को गवारा नहीं है। संजय सिंह ने ये अब डिमांड की है कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए। सी है, लगातार बयान दे रही है, कोई पहला बयान नहीं है। उन्होंने तो अब यहां तक कह डाला कि नीतीश कुमार को जेल भिजवा देंगे। देखिए, एनडीए की सरकार है जिसके नेता नीतीश कुमार जी, और टुन्ना पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से मिल सी है, लगातार हमारे नेता के ऊपर हमला कर रहे हैं। जग जाहिर है कि इनका भाई आरजेडी से चुनाव लड़े थे, जीरादेही से, और सबको मालूम है कि पूरे विधानसभा चुनाव में ये आरजेडी को मदद किए हैं एनडीए के खिलाफ। और बोलता है वो आदमी कि हम नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। कोई माइका लाल नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? कोई माइका लाल नाम बता दीजिए एक भी। ये जो उंगली उठा रहा ना लोग, उस उंगली उठाने वाला को उंगली काट लिया जाएगा। क्या कुछ नेता है आपको लग रहा है कि वो इस गठबंधन से खुश नहीं है, या तो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, या वो चाहते हैं कि ये गठबंधन ठीक से नहीं चले, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लंगड़ा बना के छोड़ दें? देखिए, ये टुन्ना पांडे जी एक शराब व्यवसायी थे, एक्सीडेंटल ही नेता बने, एमएलसी बने, धन कुबेर लोग ये थे। तो कुछ व्यक्तिगत जिसको कि फायदा नहीं हो रहा, इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक्शन होना चाहिए, उसको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। आप सह दे रहे हैं ऐसे लोगों को बोलने के लिए? आप लोग आगे बोले, ऐसे उसका वजूद नहीं है टुन्ना पांडे का। शराब व्यवसायी था और इसी में खुश रहता है आदमी। और ये जो एम्बुलेंस घोटाला है, इसमें क्या उनकी भूमिका? देखिएगा, आने दीजिए सामने, जांच होने दीजिए। मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आने दीजिए जांच। संजय सिंह जी मुख्य प्रवक्ता है, इन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार किसी के दबाव में नहीं आएंगे, और जहां तक टुन्ना सिंह पांडे की बात है, उनके खिलाफ में सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, नोटिस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सहयोगी राजेश और विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, आइए आपको सुनवाते हैं कि टुन्ना पांडे के किस बयान से जेडीयू इतनी नाराज है। नीतीश कुमार जिस तरह घोटाला हुआ है दारू वाला, आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप, हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं, उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। शराब कांड कोई खोलबे नहीं करता है, हम खोलेंगे। थोड़ा अभी है ना माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। हमको थोड़ा बैठने दीजिए, उसके बाद हम 2009 में जो कांड हुआ है शराब का, उस लाइन में हम थे ना, शराब 2009 में टेंडर हुआ। देखिए यहाँ, देखिए सर, उस टाइम वही मुख्यमंत्री थे और 2012 में वही मुख्यमंत्री थे। अब सारी पोल अभी खोल देंगे तो बात ही बिगड़ जाएगी ना। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। नीतीश कुमार के पुण्य कोला में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है जी, सो बताइए ना, हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं, नीतीश कुमार के यहाँ हमारा जन्म हुआ है। नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं, परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ही है ना जी, मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है फिर भी मुख्यमंत्री है, सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। ABP News, आपको रखे आगे।